यहाँ से शुरुआत करते हैं फटाफट शेयर्स की और पहला सवाल भी ले लेते हैं। टाटा केमिकल्स पर क्वेरी भेजी है रजनीश ने दिल्ली से। 1100 शेयर इनके पास है, जो परचेसिंग प्राइस है वो 439 का है। राजेश 429 पर ट्रेड कर रहा है, 10 रुपए पर शेयर का इनका नुकसान हो रहा है टाटा केमिकल्स में, क्या करें? मध्यम अवधि के लिए बने रहें, कंपनी बहुत स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि अच्छी बढ़त दे सकती है। जी, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल है वेस्ट बंगाल से दीपा चक्रवर्ती का। एमटी एडुकेट पर ये जानना चाहते हैं, 200 शेयर्स हैं इनके पास, 187.80 के भाव से यहाँ पर खरीदारी की हुई है, 2 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है। और साथ ही टाटा मोटर्स पर भी ये जानना चाहते हैं, 100 शेयर्स हैं इनके पास और 339 के आसपास खरीदारी की हुई है। दोनों पर ही क्या सलाह देंगे आप स्वाति? सी एमटी एडुकेट होल्ड करना चाहिए, 180 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में पोटेंशियल है अप टू 195 रेंज लेवल तक। सेकेंडली टाटा मोटर्स पे ये लेवल पे फिलहाल तो साइडवेज मोमेंटम में चल रहा है, गैप अप देखा था हम लोग ने लास्ट कल ही गैप अप देखा था। अपसाइड अगर 465 ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें 480 अपसाइड दिख सकता है। मेंटेन कीजिएगा लॉन्ग पोजिशन बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 440 ऑन अ डाउन साइड। गुरदेव सिंह का सवाल है पंजाब से, सुमन लाइफ साइंसेस पर 200 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस इनका 290 का है, क्या करना चाहिए? राजेश, सुमन लाइफ साइंसेस में 219 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, इनको काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, बहुत ही अच्छी कंपनी है और बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर ट्रेडिंग का नजरिया रखते हैं तो 190 का स्टॉप लॉस रखें, अन्यथा मैं कहूंगा कि अगर आपके फंड अलाउ करते हैं तो एवरेज आउट कर लें और बने रहें। जी, अगला सवाल लेते हैं उत्तर प्रदेश से जितेंद्र का। ये सवाल है डीबी रियल्टी पर जानना चाहते हैं, 100,000 शेयर्स हैं इनके पास और 54.13 के भाव पर खरीदारी की हुई है, फिलहाल 49 के आसपास चल रहा है, थोड़ा नुकसान हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए स्वाति? फिलहाल ये स्टॉक काफी हम लोग ने देखा कि 46 लेवल एक बार टच करते हैं, अगेन ये बाउंस बैक रैली आ जाते हैं 52 लेवल्स पे, तो आई विल सजेस्ट कि होल्ड कीजिएगा बट मेंटेन द स्टॉप लॉस ऑफ 46 रुपीज ऑन अ डाउनसाइड, अगर 52-53 के रेंज में आते हैं तो एग्जिट कीजिएगा। अगला सवाल है मैग्मा फिनकॉर्प पर श्याम का ओडिशा से। इनके पास 8,000 शेयर है, परचेजिंग प्राइस 127 रुपए का, 92 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, क्या करे राजेश मैग्मा फिनकॉर्प में? बिल्कुल बने रहे, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, मैनेजमेंट बहुत उम्दा है और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में और भी बढ़त दे सकता है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल लेते हैं असम से, अभिजीत ने ये सवाल भेजा है, जस्ट डायल पर जानना चाहते हैं, 100 शेयर्स है इनके पास, 396 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, क्या सलाह देंगी आप स्वाति? यहाँ पर 695 पर करंटली चल रहा है और अच्छा प्रॉफिट पर भी है यहाँ पर। करेक्टली दीपाली, अगर ये लेवल पे काफी उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो अभी सजेस्ट कि एक बार पार्शियली तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए एंड डाउनसाइड अगर सेकंड हाफ के लिए 680 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके अपसाइड रख सकते हैं। ये स्टॉक में पोटेंशियल है 740 रेंज तक जाने का, तो मेरी राय होल्ड रहेगी। हिमांशु अग्रवाल का सवाल है मध्य प्रदेश से, आपका लेबोरेटरीज पर 500 शेयर्स है, परचेसिंग प्राइस है 475 रुपीज का, क्या करे राजेश? ये 429 पर ट्रेड करा है आपका लैब्स, बिल्कुल बने रहे हैं। रेदर नए नए निवेशक जो देख रहे हो चैनल को, उनसे खरीदारी की भी सलाह रहेगी, कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले दिनों, इस तिमाही में नतीजे थोड़े दबाव में देखे गए थे बट वो वन टाइम कह सकता हूँ, लेकिन आगे आने दिनों में परफॉर्मेंस बहुत उम्दा होती हुई नजर आ रही है, खरीदारी की सलाह रहेगी। ऑलराइट, अगला सवाल लेते हैं महाराष्ट्र से राज गुप्ता का। ये सवाल है अक्ष ऑप्टिक फाइबर पर ये जानना चाहते हैं, 1600 शेयर्स हैं इनके पास, 17 रुपीज के भाव पर खरीदारी की हुई है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है स्वाति, यहाँ क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इनकी? अक्षोक्टी फाइबर इतना कोई खास काउंटर नहीं है ऑन टेक्निकल बैकग्राउंड, इतना मोमेंटम नहीं है, लिक्विडिटी बहुत कम होती है ये स्टॉक में, तो इसलिए अपसाइड भी काफी लिमिटेड है, वापस उनके भाव तक आने के चांसेस है 16-17 ऑन रुपीस पे, तो आई विल सजेस्ट कि सेल ऑन राइस, अगर वापस रेट पे आता है तो एक बार एग्जिट कीजिएगा ये काउंटर से। विकेश का सवाल है अगला महाराष्ट्र से सिंडेक्स इंडस्ट्रीज पर, 115 शेयर्स, परचेसिंग प्राइस 129 रुपए का, नुकसान में है राजेश, क्या करें ये सिंडेक्स इंडस्ट्रीज में? बने रहे, मौजूदा स्तर से अगर करीब 7-8% की बढ़त मिलती है तो वहां पर एक बार लॉस काट के निकल जाए। एब्सोल्युटली, अगला सवाल लेते हैं कोलकाता से जयंत का। ये सवाल है एनसीएल इंडस्ट्रीज पर ये जानना चाहते हैं, इन्होंने क्वांटिटी तो मेंशन नहीं की है लेकिन 125 के परचेजिंग प्राइस के साथ खरीदारी की हुई है, थोड़ा सा नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है स्वाति, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? ये स्टॉक अच्छा मोमेंटम में आता है बिटवीन इन समटाइम्स, बट वॉल्यूम्स लिटिल बिट थोड़े से लो है फिलहाल तो, बट स्टॉक काफ़ी अच्छा है ऑन टेक्निकल बैकग्राउंड, 112 का हमेशा सपोर्ट लेके हमें बाउंस बैक रैली दिखता है 120-125 ऑल द वे, तो मैं कहूँगी कि होल्ड कीजिएगा बट मेंटेन द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 112 रुपीज़ ऑन अ डाउन साइड।
अभिलाष अग्रवाल का सवाल है गोंडिया से, मॉनसेंटो इंडिया पर 5 शेयर्स हैं, परचेजिंग प्राइस 2150 रुपए का, राजेश क्या करें, 2150 के लेवल पर मॉनसेंटो खरीदे हुए हैं। बने रहे, ऐसी बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं कंपनी के बारे में, खबरों का भी फायदा हो सकता है। दूसरे अगर आप देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आने वाले दिनों में एग्रीकल केमिकल्स की तरफ एक अच्छा रवैया बना हुआ है। बने रहे 2600 के टारगेट के साथ, बने रहे। ऑल राइट, 2600 के टारगेट के साथ आप यहां पर बने रह सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, हमारे पास दिल्ली से गिरीश का ये सवाल आया है, ल्यूपिन पर जाना चाहते हैं, क्वांटिटी इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं की है लेकिन 1500 के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है, यहां पर क्या सलाह देंगे आप स्वाति? सी, ल्यूपिन में हम लोग ने देखा था काफ़ी प्रीवियस डे काफ़ी एक डाउनफॉल आया था, देन अगेन 1440 का एक लेवल अच्छा सपोर्ट मेंटेन किया ना, ये अपवर्ड रैली में फिलहाल तो चल रहा है, तो अपसाइड जाने के लिए 1560 लेवल तक एक बार जा सकता है, बट आई विल सजेस्ट कि 1440 का नीचे में स्टॉप लॉस रख के आप कैरी कर दीजिएगा, अगर ये 1560 के 70 के रेंज में आता है बुक टू बुक योर प्रॉफिट्स। चलिए शुक्रिया स्वाति आपका भी और राजेश आपका भी, सभी कॉलर्स इक्वायरीज को एड्रेस कर रहे हैं।